बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 5। मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम मलिक। आज हमारे साथ बैठे हैं ज़ीशान साहब। जबकि लास्ट एपिसोड में हमने जाना था पाइप के मुतालिक, तो आज सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ज़ीशान साहब, आज का हमारा टॉपिक है आयरन यानी लोहे का, तो उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में आज हमें ज़रा तफसील से बताएँ आप। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। आज का हमारा मौजू है लोहे के बारे में जी। तो लोहे में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रेंज आ जाती हैं, जिसमें जो नॉर्मल प्रोडक्ट रेंज है उसमें एंगल एक होता है, पट्टी है, गोल और चौरस सरिये हैं, चैनल्स हैं, जैसे चैनल में यू चैनल, सी चैनल होता है, गार्डर्स हैं, आई सेक्शन, एच सेक्शन है, टी आयरन है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोहे में हम 80-90% इन्हीं प्रोडक्ट्स रेंज से कवर कर रहे थे। यानी कि ये जो आजकल जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो यही जो आप बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक तो हमें इसकी थिकनेस के बारे में बताएं कि थिकनेस को कैसे नापा जाता है। इसमें जो टेक्निकली दो चीज़ें शामिल होती हैं, जब भी कोई लोहा ख़रीदने जाते हैं, आप कस्टमर लोहा ख़रीदने आता है, तो हमें उससे दो चीज़ें चाहिए होती हैं कि जी आपको उस, फॉर एग्जांपल वो अगर एंगल लेने आया है तो वो हम उससे पूछते हैं जी एंगल आपको कौन से साइज का चाहिए और कौन सी थिकनेस का चाहिए, ठीक है। अच्छा, साइज़ तो नॉर्मल इंचज़ में होता है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, वो तो इंचज़ में कहलाता है, लेकिन इसकी थिकनेस टेक्निकल है वो हर एक को नहीं पता होती। थिकनेस जो है कहलाती है कि अगर 1 इंच में 8 सूतर होते हैं जी, बिल्कुल, तो सूतर में एक सूतर जो है 3.125 मिलीमीटर का एक सूतर होता है, 3.125 मिलीमीटर का एक सूतर होता है, तो हम उसे पूछते हैं जी अगर 1 इंच का एंगल चाहिए तो वो कितने सूतर में चाहिए। अच्छा, 1 सूतर में चाहिए, 2 सूतर में चाहिए, जितनी किसी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जो है ना वो डिलीवर करते हैं। तो बिल्कुल, तो वो हम साइज के साथ हमें थिकनेस लोहे की चाहिए होती है, तो फिर हम उसको एग्जैक्ट वो चीज़ दे पाते हैं, उसका रेट भी बता सकते हैं और उसको वो चीज़ डिलीवर करते हैं। और इन दोनों में कुछ फ़र्क भी है आपस में जो बता रहे हैं आप? नहीं, देखिए साइज़ तो नॉर्मली इंचेस में होगा ना, ठीक है, एंगल है या पट्टी है या गोल चौरस सरिये है, लेकिन जो थिकनेस उस लोहे की थिकनेस क्या है वो हमें सूत्रों में पता चलता है, या मिलीमीटर में भी हम पूछ लेते हैं, अगर उन्हें मिलीमीटर में कन्वीनियंट है मिलीमीटर में बता दें कि जी हमें 3.125 मिलीमीटर का चाहिए, तो हम समझ जाते हैं 1 सूत्र चाहिए, अगर 2 सूत्र है या 1.5 सूत्र है तो वो जिस तरह मतलब के हाँ मिलीमीटर में या थिकनेस हमें सूत्रों में सही पूछनी होती है। बाकी ज़ीशान साहब मुझे बताएं कि ये जो हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें और नॉर्मल में कुछ फ़र्क होता है? जी, जो नॉर्मली घरेलू इस्तेमाल में जो घर एक अगर आदमी घर बना रहा है तो उसके जो गेट ग्रिल फेंसिंग में जो ये लोहा इस्तेमाल हो रहा है तो वो नॉर्मली इतनी हैवी स्पेक्स का नहीं होता, उसकी थिकनेस भी बड़ी नहीं होती या उसके साइजेस भी बहुत ज़्यादा 4-5 इंच के नहीं होते, वो 1-2 इंच 3 इंच तक के साइजेस जो घरेलू इस्तेमाल तो वो नॉर्मली लो स्पेक्स में चलता है, ठीक है। तो लेकिन जो अगर आप कहीं कंपनीज़ में चले जाएं जहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ वो हैवी ड्यूटी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल चैनल्स का इस्तेमाल होगा वहाँ पे, गार्डर का इस्तेमाल होगा वहाँ पे जो है, और उनके साइजेस भी हैवी होंगे, 10-10 इंच के गार्डर लगते हैं, 12 इंच के गार्डर लगते हैं, 18 इंच के गार्डर लगते हैं, या तो वो फिर जैसे जैसे आपका काम की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है आपको हैवी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, मतलब यहाँ पर जितनी काम की नवैयत है उसके मुताबिक ही जो है ना वो हैवी ड्यूटी जो है आपका लो है वो इस्तेमाल होता है। और इसमें रेट्स का भी काफ़ी डिफरेंस होगा? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो लो हल्की स्पेक्स की प्रोडक्ट हैं वो सस्ती हैं, जो आप जितने हैवी जाते जाएंगे तो वो आपको क्योंकि उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है, साइज़ भी बड़े होते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको पता है कि बहुत सारी जो है ना वो प्रोडक्ट्स आती हैं, यानी कि जिस तरह है एंगल, सबसे पहले तो आप एंगल के बारे में बताएं कि एंगल क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी जो है ना कौन कौन सी जो है ना प्रोडक्ट हैं एंगल की? जी हम अभी स्क्रीन पे एक चार्ट शेयर कर लेंगे जिसमें इन सारे आयरन की प्रोडक्ट्स की एक पिक्चर की होगी। एंगल बेसिकली एक एल शेप्ड जो है वो लोहा होता है जी, जो कि मुख्तलिफ
वेल्डिंग में, गेट में, ग्रिल्स में, खिड़की दरवाज़ों में, खिड़कियों में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसकी एप्लीकेशन है, देखें जब आप जाते हैं किसी, आप फैब्रिकेटर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी मुझे फलां गेट बनवाना है या मुझे ये ग्रिल बनवानी है, तो वो फिर आप उसको कोई डिज़ाइन बताते हैं या वो कोई आप पिक्चर उसे बताते हैं कि जी मुझे इस डिज़ाइन का चाहिए जी, तो वो फिर उससे तय होता है कि जी आपने कौन सा डिज़ाइन बनवाना है, इसमें कितना एंगल लगेगा, कितने सरिये लगेंगे, अच्छा, अच्छा। कितनी पट्टी लगेगी, तो वो उस डिज़ाइन की नौइयत और आपके उस गेट के साइज़ और ग्रिल के साइज़ पे मुनसर होता है। ठीक है, तो आपने अभी जिक्र किया एंगल के साथ बज कितनी पट्टी लगेगी, तो ये पट्टी के मुतालिक भी हमें बताएंगे। पट्टी फ्लैट आयरन या पट्टी हम कहते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट आई शेप की मटेरियल अच्छा। होता है। ये भी आपको चार्ट में इसकी तस्वीर आ जाएगी, आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है। बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट बार कहलाती है। तो ये भी इन्हीं इमारती पर्पज़ में, गेट, ग्रिल्स, फेंसिंग में यूज़ होती है। और जब आप कोई चीज़ बनाने चाहते हैं, गेट बनाने जा रहे हैं, ग्रिल बनाने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें अल्टरनेटली सारी ही इस्तेमाल होती हैं। ये नहीं कि एक चीज़ इस्तेमाल होगी, कहीं आपको एंगल चाहिए होता है, कहीं आपको पट्टी चाहिए होती है, कहीं आपको सरिये चाहिए होते हैं, तो वो उसका मिक्स करके ही ये कोई एक जो प्रोडक्ट बनती है। इसके साथ मुझे आप ये बताएं, इसके साथ हमें आप ये बताएं कि सरिया, सरिये में एक तो गोल सरिया होता है, एक चौरस सरिया होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, गोल सरिया बिल्कुल राउंड शेप होती है और स्क्वायर सरिया चौरस बार जो है वो बिल्कुल स्क्वायर चौरस शक्ल का होता है। ये भी ग्रिल्स में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर गोल और चौरस सरिये ग्रिल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपने ग्रिल्स में अक्सर देखे होंगे कहीं राउंड शेप पाई गोल सरिया लगा होता है, कहीं चौरस स्क्वायर बार लगी होती है, तो नॉर्मली ये ग्रिल्स का आइटम है। ठीक है जी, तो ये थे सरिये, मतलब यानी कि जो सरिया है हमारा गोल सरिया और चौरस सरिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और इन दोनों में एक तो रेट का भी डिफरेंस होगा और इनके वेट का भी, ऐसे ही है थिकनेस का भी होगा जिस तरह आप बता रहे हैं जी। हम इस वीडियो में आपकी स्क्रीन पे अभी इसका भी वज़न का चार्ट शेयर कर लेंगे जी। तो हर साइज़ के वज़न कितना आता है पर स्क्वायर फीट में, पर लेंथ एक इस तरह आप जाते हैं कि किसी जो है ना दुकानदार के पास आप जाके कहते हैं कि मुझे जो है ना इतने केजी जो है ना सरिया चाहिए, वो लेंथ के हिसाब से ही हमें बता देता है कि इतना वेट हो गया इसका जी। जी आप या तो उसे वज़न में भी बता सकते हैं, ये जो चार्ट आपके सामने आएगा आप उससे देख के उस साइज़ का उसको या तो वज़न बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने फुट सरिया मिलेगा, या अगर आप उसे फुटों में बताते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इतना वज़न बनेगा। आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं सरिये के बाद चैनल पे, चैनल की कौन कौन सी अकसाम हैं? चैनल यू चैनल और सी चैनल नॉर्मली कहलाता है। यू चैनल और सी जी, इसमें दो तीन साइज आते हैं, 3 इंच का चैनल आता है, 4 इंच का आता है, जो ये नॉर्मली रनिंग के साइजेज हैं। बाकी 6 इंच 8 इंच के चैनल्स भी होते हैं बड़े, और स्पेशल ऑन डिमांड भी बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको और हैवी स्पेक्स क्लाइंट को चाहिए होते हैं तो हम उनको बड़े साइज के भी चैनल्स बनवा के देते हैं। ठीक है, यू में भी और सी में भी, यू और सी। इसके बाद आते हैं आमतौर पर हमने देखा होगा आज से कुछ टाइम पहले जितने भी, अभी तो दौर आ गया है लंटर्स का, इससे पहले जो हमारे घर होते थे उनके ऊपर छतों पे गार्डर और टीआरएन इस्तेमाल होते थे जी। उसके मुतालिक भी हमें ज़रूरत है। गार्डर और टीआर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपके ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपके आरसीसी छत नहीं पड़ सकती, कोई पहाड़ी इलाका है या कोई ऐसा देहाती इलाका है जहाँ पे आपके जो है आरसीसी छत की प्रोविज़न नहीं है, तो वहाँ लोग अभी भी गार्डर और टीआर की छतें डालते हैं। तो नीचे गार्डर लगा के उसके ऊपर टी लगा के उसमें चौके लगा देते हैं, 10-10 इंच 12-12 इंच का चौका होता है। तो ये गार्डर और टीआर की छतें अभी भी नॉर्मल हैं, तो ये चलती हैं बहुत सी जगहों पे। ऐसे ही है बिल्कुल, ये आरसीसी छतों के बराबर अगर देखा जाए तो उसमें एक्सपेंस भी इसका कम है और उसका ज़्यादा है जी। और एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप आरसीसी घर बनाते हैं उसका वेट आपको पता है कि आपकी दीवारों पे ज़्यादा होता है और इसका वेट भी कम होता है,
जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसका वेट कम होता है लिहाजा, और ये सस्ती भी बन जाती है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसकी ये अब इसलिए पॉपुलर इतनी नहीं रही क्योंकि इसमें जो है सीपेज और बारिश वगैरह, कुछ सालों के बाद इसमें सीपेज और बारिश के पानी का जो है चांसेस हो जाते हैं कि कहीं से लीक कर जाए या कुछ इस तरह हो जाए, तो लोग अब RCC ज़्यादा डालते हैं। लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लैंटर नहीं डाला जा सकता RCC का, तो वहाँ ये अभी भी इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसे ही आज भी हम देखते हैं कहीं जाते हैं ख़ासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में, उन्होंने यही जो है ना गार्डर और टियारन से छतों को बनाया हुआ होता है, और इसमें भी कुछ जो है ना साइज़ का फ़र्क होता है, वेट का फ़र्क होता है, या जी तो ये जो गार्डर और टीआरएन है इनके भी मुख्तलिफ साइजेस होते हैं और इनके वेट होते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमने घर बनाना है उसके ऊपर डबल स्टोरी, उसके लिए कोई अलहदा उसका कोई वेट वाला होगा, कोई स्पेशल बनवाना पड़ेगा, या वो सेम ही कैटेगरी होती है? गार्डर और टीआरएन की छत में डबल स्टोरी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले डलते थे, लेकिन वो जो है बहुत ही अब तो रेयर है। अगर ये गार्डर और टीआर नॉर्मली जो है वो सिंगल स्टोरी में तो ठीक है, फिर भी चल जाते हैं, और इसमें टी में भी बहुत 2 इंच की टी लगती है, लेकिन उसमें आता है कि उसके वेट का फ़र्क आ जाता है, थिकनेस का फ़र्क आ जाता है। 700 ग्राम पर फुट वाली टी भी आती है, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो, 1.2 पर फुट पर केजी भी आती है। तो और इसी तरह गार्डर में 6 इंच का गार्डर है, 8 इंच का है, 10 इंच का है, 12 इंच का गार्डर है। तो आप जितना मजबूत करते जाएंगे, जितना आपका स्पैन ज़्यादा है छत का, अच्छा होता जाएगा, उतना अच्छा मतलब मटेरियल भी आपको मटेरियल अच्छा हो जाएगा, और जितनी आपकी आपके अगर छत का साइज़ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो आपको मजबूत मटेरियल डालना होगा। छोटी छत है, छोटा कमरा है, तो फिर तो हल्का मटेरियल चल सकता है, कम वेट वाला। लेकिन जब आपका अगर छत का साइज बड़ा है तो आपको भारी मटेरियल डालना पड़ेगा। तो ये आप एक हमारे नाज़रीन को ये भी ज़रा थोड़ा सा बता दें कि अगर उन्होंने घर बनाना है ये गार्डर टीआरएन के साथ, तो कौन सा एक स्पेशल जो है जिसे आप रिकमेंड करते हैं कि अच्छे से अच्छा वाला कौन सा है जिससे उनको परेशानी ना हो आने वाले टाइम पे? तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि रोज़ रोज़ घर नहीं बनाया जा सकता। एक दफ़ा ही बंदा अच्छा घर बनाए, उसके ऊपर अच्छे गार्डर और अच्छे टीआरएन लगाए, और ताकि उनको बाद में आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। जी उसमें ऐसा है कि टी जो है वो कम से कम जो है 1 kg पर फीट वाली इस्तेमाल करें, उससे कम वाली इस्तेमाल ना करें। और जो है गार्डर जो है वो फिर आपकी छत की साइज़ के मुताबिक है। 6 इंच का भी अगर छोटी छत है 6 इंच भी चल जाएगा, बड़ी छत फिर उससे बाद 8 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है। तो जैसे जैसे आपकी छत का साइज़ बड़ा होता जाएगा, आपकी गार्डर पे लोड आना है तो गार्डर के साइज़ आप 2 या 3 या 4 डालते हैं अगर गार्डर, तो आपके गार्डर के साइज़ बड़े होते जाएंगे। ठीक हो गया, तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आज का हमारा टॉपिक था आयरन लोहे का, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया आज का। तो बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बहुत अच्छा हमारा ये रहा लोहे के बारे में। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ लोहे के हवाले से, जब भी आप ख़रीदने जाएं तो वज़न का ज़रूर ख्याल रखें। हम आपके इस स्क्रीन पे, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वेट कार्ड, आपके लोहे के तमाम मसनूआत के वेट कार्ड्स अभी आ जाते हैं, और आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वज़न आप क्रॉस मैच ज़रूर कर लें कि आपको सही वज़न मिल रहा है, जो आप वज़न लेने गए हैं कहीं उसमें कमी या ज़्यादती तो नहीं हो रही, तो वो ज़रूर ख्याल कर लें। और बाकी तो नाज़रीन, जैसा कि ज़ीशान साहब ने आपको बताया कि आप जब भी आयरन ख़रीदने जाएं तो ख़ास तौर पे उसके वेट का जो है ना ख़ास आपने ध्यान रखना है, ताकि आने वाले टाइम पे आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आज का हमारा टॉपिक आयरन का था, लोहे का, तो बड़े अच्छे तरीके से ज़ीशान साहब ने हमें इसके बारे में आगाह किया। तो आज का एपिसोड यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक खुर्रम मलिक को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह नेकबान।